साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पंचमशाली लिंगायत कम्युनिटी के बारे में। देखिए, पंचमशाली लिंगायत कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं तो ये एक सब कास्ट है अंडर लिंगायत कम्युनिटी इन कर्नाटका। लिंगायत कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं साथियों, तो आपको पता ही है लिंगायत कम्युनिटी किसके फॉलोवर हैं। ये फॉलोवर हैं संत बसावना के, जो कि 12th सेंचुरी के एक बहुत बड़े संत हुए। संत बसावना, उन्हीं संत बसावना की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने अनुभव मंडप की बात की, जिन्होंने अनुभव मंडप को शुरू किया, जिसको कि हम वर्ल्ड का फर्स्ट पार्लियामेंट भी कहते हैं, जहाँ पे सभी की एंट्री थी, जिन्होंने हमेशा इक्वालिटी की बात की। लिंगायत के साथ जब हम बात करते हैं तो लिंगायत कम्युनिटी जो है ये लॉर्ड शिवा को फॉलो करते हैं। आज के टाइम में अगर हम देखें तो पंचमशाली लिंगायत जो है ये लिंगायत कम्युनिटी के ही एक पार्ट है। और लिंगायत टर्म जब हम इस्तेमाल करते हैं, ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इसमें बहुत सारे सब कार्ड्स आपको देखने को मिलते हैं और उसी में से एक है पंचमशाली लिंगायत, जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये पूरा सब्जेक्ट मैटर क्या है। पंचमशाली लिंगायत की जब हम बात करते हैं साथियों, तो ये कर्नाटका में जितनी लिंगायत कम्युनिटी है उनके टोटल पॉपुलेशन में से 70% जो पॉपुलेशन है वो पंचमशाली लिंगायत की ही है। मतलब कि लिंगायत कम्युनिटी में जो सबसे डोमिनेटिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर जो है अगर कोई कम्युनिटी है तो वो पंचमशाली लिंगायत ही है। और टोटल अगर हम कर्नाटका की पॉपुलेशन की बात करें तो उसका 14% है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम देखें पॉपुलेशन वाला, तो मतलब ठीक ठाक इनका रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे अगर हम बात करें कर्नाटका की। मामला है क्या? देखिए, मामला है कि अभी पंचमशाली कम्युनिटी के जो लोग हैं वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनका डिमांड क्या है? उनका डिमांड ये है कि ओबीसी रिजर्वेशन की जब बात होती है, अब ये जो पंचमशाली लिंगायत कम्युनिटी है ये ओबीसी की लिस्ट में आते हैं। अब जब हम ओबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पे बनाई हुई है कर्नाटका के, अगर हम कोटा सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे पंचमशाली लिंगायत कम्युनिटी जो है इनको ओबीसी के किस कैटेगरी में अभी रखा गया है? तो अभी इनको रखा गया है 3B कैटेगरी में। और यहाँ पे अगर आप ये कैटेगरी 3B देखोगे तो इसके अकॉर्डिंगली इनको रिजर्वेशन कितना मिल रहा है? रिजर्वेशन मिल रहा है 5%। ठीक है, मतलब लिंगायत कम्युनिटी जो है इनको 5%। अब ये सिर्फ एक, मतलब आप कह लो पंचमशाली लिंगायत की बात नहीं कर रहे, टोटल जो लिंगायत कम्युनिटी है उनके लिए 5% है। ठीक है, डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि इनको कैटेगरी 2A में डाला जाए। 2A में अगर डाला जाएगा तो यहाँ पे इनको कितना बेनिफिट मिलेगा ओबीसी रिजर्वेशन का? 15% मिलेगा। तो ये है सारा सब्जेक्ट मैटर। तो न्यूज़ यही है साथियों कि पंचमशाली लिंगायत कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ओबीसी का जिस लिस्ट में अभी इनको डाला गया है उसे रिमूव करके इनको कैटेगरी 2A में डाला जाए, ताकि इनको 15% जो है रिजर्वेशन मिल सके। और इसीलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कर्नाटका के अगर रिजर्वेशन सिस्टम पे साथियों अगर आप नज़र डालोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्नाटका में ओबीसी के लिए 32% सीट जो है ये रिजर्व है। और ये 32 को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है। बैकवर्ड कास्ट जो है उसमें 4% है, ओबीसी जो है उसमें 15% है। और ऐसे ही अगर हम बात करें तो मुस्लिम्स के लिए 4, वोकलिगर्स के लिए 4 और लिंगायत के लिए 5% सीट जो है रिजर्व है। शेड्यूल कास्ट के लिए 15% है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 3% है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% है। तो ये अभी का सिस्टम आपको रिजर्वेशन का कर्नाटका में देखने को मिलेगा। पिछले साल की अगर हम साथियों बात करें तो पिछले साल कर्नाटका की गवर्नमेंट ने ये जो यहाँ पे मुस्लिम वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, मुस्लिम्स के लिए जो 4% का रिजर्वेशन है, उसको पिछले साल कर्नाटका की गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसको डिलीट करने के बाद कुछ नए चेंजेस इन्होंने इंट्रोड्यूस कौन से न्यू चेंजेस करे कि जैसे अगर हम वोकालिगस की बात करें, लिंगायत की बात करें, तो इसमें 2-2% बढ़ा दिया, तो वोकालिगस का होगा 6% और लिंगायत के होगा 7%। ठीक इसी तरीके से शेड्यूल कास्ट का भी यहाँ पे इंक्रीज कर दिया 2, और ऐसे शेड्यूल ट्राइब में 4% का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ये 7, 17 और 7% ये इंक्रीज होके हो जाएगा। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कम कर दिया, 4% कर दिया। ठीक है, तो टोटल अगर आप देखोगे तो ये 66 नहीं बन रहा, ये 60 बनेगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट पिछले साल कर्नाटका की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। अब देखो, सीधी सी बात है, अगर आप ऑलरेडी किसी कम्युनिटी को अगर बेनिफिट मिल रहा है रिजर्वेशन का और उसको आप अचानक से स्क्रैप कर दो तो वैसे चुप तो बैठेंगे नहीं, तो मुस्लिम कम्युनिटी पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस ऑर्डर को अभी इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया। तो ये मामला अभी कोर्ट में ही है। ठीक है, अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, इसका मतलब कि अभी मुस्लिम कम्युनिटी को ये 4% रिजर्वेशन मिल ही रहा है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है रिजर्वेशन का कर्नाटका में, कुछ ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये है कि पंचमशाली लिंगायत की जब हम बात करते हैं तो नंबर तो इनका ठीक ठाक है कर्नाटका में, तो और रिजर्वेशन भी इनको मिल रहा है, तो इनको ज़्यादा रिजर्वेशन क्यों चाहिए?
पंचमशालियों का कहना ये है कि अभी तक हमारी कम्युनिटी का कोई सीएम बना ही नहीं। लिंगायत कम्युनिटी के सीएम बहुत सारे बने हैं, लेकिन पंचमशाली लिंगायत कम्युनिटी का अभी कोई सीएम नहीं बना। और सीएम ना बनना कहीं ना कहीं इनका ये पॉइंट है कि हमारी बैकवर्डनेस को, हमारी अंडर रिप्रेजेंटेशन को शो करता है। दूसरा, अगर हम देखें तो इनका कहना है कि हम इकोनॉमिकली काफ़ी बैकवर्ड है, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा रिजर्वेशन की जरूरत है। तो ये है साथियों पूरा मामला। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।